विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो अपन गुरु गीता ले रहे हैं उसका 152 श्लोक से अपन लेंगे, 152 श्लोक्स। अथ काम काम्य जपे स्थानम कथयामि बरानने सागरे वा सरित्तीरे अथवा हरिहरालये। भगवान कहते हैं कि मैं इस जप के स्थान का आपको वर्णन बताता हूँ, कहाँ इसको जपना चाहिए गुरु गीता को। तो गुरु गीता को जपने का जो स्थान है वो कहते हैं सुमुखी, काम्य फल की प्राप्ति के लिए। देखना, ध्यान देना, वो काम्य सकाम फल की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। अपन लोग सकाम फलों की ओर नहीं जाते क्योंकि अपने को मालूम है कि जो सकाम फल हैं वो मोक्षदायी नहीं होते। तो उन्हें स्थानों पर कहाँ जपना चाहिए, समुद्र नदी के किनारे भगवान शंकर के या विष्णु के मंदिर में ही इसको जपना चाहिए, या माता जी का मंदिर शक्ति का देवालय हो वहाँ, या गौशाला में, या सभी देवालयों में, या बट वृक्ष और धतूरे के वृक्ष के मूल में, या मठ में, या तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थानों में नित्य अनुष्ठान करते हुए शांत और मौन भाव से इसका जप करना चाहिए। यानी मन ही मन में जप करने का है, शांत और मौन भाव से। ये हमने अर्थ बता दिया इसका। शक्ति देवालय गोष्ठे सर्व देवालय शुभे बटे च धात्री मूले वा मठे वृंदावने तथा निर्मले पवित्रे स्थाने नित्याष्ठ अनुष्ठानतो अपि वा निर्वेद मौनेन जपमेतम् समाचरेत। यहाँ तक का अर्थ हमने उसी में बता दिया है। शमशाने भय भूमो तु बट मूलांत के तथा सिद्ध्यन्ति धोत्तरे मूले चूत वृक्षस्य सन्निधौ। आप अगर इसका जाप शमशान में करेंगे या भय भूमि में करेंगे या बट वृक्ष के निकट करेंगे या धतूरे के मूल के पास करेंगे या आम वृक्ष के निकट इसका पाठ करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अब सिद्धि जिनको चाहिए उनको परमात्मा का मिलना मुश्किल ही है क्योंकि सिद्धि फंसा देती है। अपना मार्ग सिद्धि का मार्ग नहीं है। गुरु पुत्रो वरम मूर्खस तथा सिद्धस्ति नान्यथा शुभ कर्माणि सर्वाणि दीक्षा व्रत तपांसि च। गुरु का शिष्य यदि मूर्ख भी होगा तो भी वह एक समय पर सिद्धि को प्राप्त अवश्य होगा। और उसकी जो दीक्षा है, व्रत है, तप है आदि शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। गुरु पुत्र के कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाते क्योंकि वह जैसे किसी क्लब में आप सदस्य बन जाते हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे जब किसी ब्रह्मवेत्ता के आप शिष्य हो जाते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते। संसार मल नाशनार्थम
भवपाशं निवर्तये गुरु गीताभ्यसी स्नानम तत्वज्ञ कुरुते सदा। यह है काम का श्लोक। संसार के मलों का नाश करने के लिए, संसार के का मल क्या है? अज्ञान है। भवबंधन से मुक्त होने के लिए, भवबंधन क्या है? ज्ञान का न होना, है ना, माया की नींद में रहना, यह भवबंधन है। तत्वज्ञानी गुरु गीता रूपी जल का सदा स्नान करते रहते हैं। इनको तत्वज्ञान की प्राप्ति करना है, वो गुरु गीता का नित्य पाठ करें तो उससे क्या है, अंतर शुद्धता आती है। और वो जो कल जो गीता में बताया था कि श्रद्धा मजबूत होती है। स एव च गुरु साक्षी सदा सद्ब्रह्म विद्मः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः। जो सद्ब्रह्म को जानने में श्रेष्ठ हैं, गुरु के बारे में बताया, जो ब्रह्म को सद्ब्रह्म को जानने में श्रेष्ठ हैं, वे ही साक्षात गुरु हैं। गुरु जिन स्थानों में निवास करते हैं वे सभी स्थान पवित्र हो जाते हैं, कोई संशय नहीं। गुरु जहाँ बैठ गया बस समझो कि फिर उस स्थान की शुद्धि कराने की जरूरत नहीं है, वो शुद्ध हो गया। पंडित को बुलाने बुला के वास्तु शांति कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस गुरु को बुला लिया, काम हो गया। क्योंकि गुरु के रहने मात्र से सब प्रकार की शुद्धि हो जाती है। आसनस्थ शयानो वा गच्छन तिष्ठि बदन्नपि अश्वारूढो गजारूढा सुप्तो वा जागृतो अपि वा। आसन पर गुरुदेव बैठे हों, आसन पर कोई शिष्य बैठा हो, सोता हो, चलता हो, घोड़े पर बैठा हो, हाथी पर सवारी किए हो, सुसुप्ति में हो या जागता हो, ऐसा नित्य ज्ञानी पुरुष जो गुरु गीता के जप से पवित्र बन गया है, यदि उसको उसके दर्शन भी हो जाएं गुरु गीता करते हुए, तो दर्शन मात्र से फिर पुनर्जन्म नहीं होता। दर्शन मात्र का मतलब उसका चमड़ा देखना नहीं है, जिस तत्व में वो सदगुरु जगा है उस तत्व का जानना, यह दर्शन है। सुची ये जो है 60 और 61 दोनों का अर्थ हो गया इसमें। सुचिमाश्च सदा ज्ञानी गुरु गीता जपेन तु तस्य दर्शन मात्रेण पुनर्जन्म विद्यति। समुद्रे च यथा तोयम् क्षीरे क्षीरम् घृते घृतम् भिन्ने कुंभे यथा आकाशस्थ तत्मा भिन्ने कुंभे यथा आकाशस्थस्तमा परमात्मनि। जैसे जैसे समुद्र में पानी होता है, दूध में दूध होता है, घी में घी होता है, आकाश में घटा आकाश मिल जाता है, वैसे ही परमात्मा में जीव मिल जाता है। एकदम स्पष्ट बात कही है शंकर भगवान ने कि जैसे समुद्र में पानी है, दूध में दूध है, घी में घी है, ऐसा ही तुम्हारे अंदर परमात्मा मौजूद है। तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लियते एकेन रम्मते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम। इसी प्रकार जो ज्ञानी होता है वो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। जीव को जब ज्ञान हो जाता है तो इस एकत्व को प्राप्त करने वाला जो ज्ञानी है वो दिन और रात आनंद में मगन रहता है, उसके लिए आनंद की कोई कमी नहीं होती है। एवं विधो
महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधः तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः। एवं विधो इस प्रकार इस विधि से ज्ञानी सदा जीवन मुक्त होकर रहता है। इस प्रकार से एवं विदो महामुक्तः महामुक्ति प्राप्त होती है। सर्वते वर्तते बुधः सब प्रकार से यह बुधा यानी ज्ञानी सब कुछ करते हुए भी ज्ञान में स्थित रहता है। तत्न सर्व प्रयत्न भाव भक्ति करोति यः। इसलिए हमको सब प्रकार से प्रयत्न करके और ज्ञानी की भाव भक्ति करना चाहिए, ज्ञानी का ज्ञानी की सेवा करना चाहिए। सर्व संदेह रहितो मुक्तो भवति पार्वती मुक्ति भुक्ति द्वयं तस्य जिह्वाग्रे चर सरस्वती। सर्व संदेह रहितो ज्ञानी के पास रहने से सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। मुक्तो भवति पार्वती और हे पार्वती व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। और मुक्ति भुक्ति द्वयं तस्य मुक्ति और भुक्ति संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ज्ञानी तुम्हें दे नहीं सकता। और मुक्ति और भुक्ति दोनों तुमको मिल जाएगी, संसार भी अच्छा हो जाएगा और परमात्मा का मार्ग भी अच्छा हो जाएगा। तो तस्य जिह्वाग्रे सरस्वती उसके जीव के अगले हिस्से में सरस्वती का निवास होता है। ज्ञानी के जीव के अगले अग्रभाग में सरस्वती निवास करती है। और ज्ञानी का जो शिष्य होता है और मुक्ति और भुक्ति दोनों प्राप्त करता है, परमात्मा की प्राप्ति भी वो करता है और उसको संसार में भोजन कपड़े रहने की कोई व्यवस्था में अंतर नहीं आता है, उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अनेन प्राणिनः सर्वे गुरु गीता जपेन तु सर्व सिद्धि प्राप्नुवन्ति भुक्ति मुक्ति न संशयः। हे पार्वती गुरु गीता के जब से सभी प्राणी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, उन्हें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्मम सांख्यमयम मयोदितम गुरु गीता समम नास्ति सत्यम संत्यम बरानने। हे पार्वती मेरे द्वारा यह कहा गया धर्मयुक्त ज्ञान सत्य है, सत्य है, सत्य पूर्ण रूप से सत्य है। तीन बार भगवान ने कहा सत्य है, सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है। हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, गुरु गीता के समान सचमुच कुछ भी नहीं है। गुरु गीता के समान सचमुच कुछ भी नहीं है। एको देवः एक धर्मः एक निष्ठा परम तपः गुरोः परतरम नास्ति नान्यति तत्व गुरोः परम। एक ही देव है जगत में, वह है सद्गुरु। एक ही धर्म है, वह है सद्गुरु। एक ही निष्ठा है, वह है सद्गुरु। एक ही परम श्रेष्ठ है, वह है सद्गुरु। गुरु से परे कुछ भी नहीं है, गुरु से आगे कुछ भी नहीं है। गुरु के आगे कोई ऐसा तत्व बाकी नहीं रहता जो तुम प्राप्त कर सको। यदि तुम्हें गुरु मिल गया और गुरु के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तो समझो तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ रही है। एको माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंश कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुधर दुर्लभा। जिसने गुरु का प्रसाद पा लिया, जिसने गुरु की कृपा पा ली, जिसने गुरु का प्रेम पा लिया, जिसने गुरु का सानिध्य पा लिया, जो गुरु की दीक्षा लेकर गुरु के प्रेम में डूब गया, उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसका कुल धन्य है। वहां वो निवास करता है वो देश धन्य है, उस जिस पृथ्वी पर निवास करता है वो धरती धन्य है। हे देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा, गुरु की जो भक्ति है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है।
शरीरमिन्द्रियं प्राणाश्चार्थ स्वजन बांधवः माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयः। हे देवी, शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, स्वजन, बांधव, माता पिता, कुल, सब कुछ गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु को ही अपनी माता समझो, गुरु को अपना पिता समझो, गुरु को ही अपना शरीर समझो, गुरु को ही अपनी इंद्रिय समझो, गुरु को अपना प्राण समझो, गुरु ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, गुरु से बड़ा तुम्हारे कोई स्वजन नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, गुरु से बड़ा तुम्हारा कोई भाई नहीं है, गुरु तुम्हारा कुल है और गुरु ही सब कुछ है, इसमें कोई संशय नहीं है। 170 शरीरमिन्द्रियं प्राणाश्चार्थं स्वजन बांधवः माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयः। इसका अर्थ तो कर दिया मैंने। आकल्प जन्मनः कोटिया जप व्रत तपः क्रिया तथा सर्व सफलं देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, यदि करोड़ों जन्म तक और कल्प पर्यंत मतलब 1000 चौकड़ी युगों तक कोई जप करे, तप करे, व्रत करे और जो शास्त्रों में बताई हुई है वो क्रिया करे और यदि उसके पास गुरु नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गुरु मात्र मिलने से इन सब का इतना फल मिलता है कि आप करोड़ों जन्मों तक जप तप और क्रिया करेंगे उसका जो फल मिलता है वो गुरु मात्र को संतुष्ट करने से मिल जाता है। अगर गुरु आपसे संतुष्ट हो गए तो फिर आपको इतना ये फल का इसका फल अपने आप मिल गया ना। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवो हम। अब इसके आगे अगले सप्ताह शिवो।